नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म सितंबर से ये गीत है मौसम प्यार का। इसे ओरिजिनली गाया था आशादी और किशोर दा ने, म्यूजिक पंचमदा का था और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी साहब का। गाना जो है ई फ्लैट मेजर में है और मैं बीट्स को कायम रखने के लिए अपने ही स्टाइल से बजाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो केपो को थर्ड फ्रेट पे लगा के सी मेजर में बजा सकते हैं। बजाते हुए स्क्रीन पर आपको दोनों ही कॉर्ड दिखाई देंगे। स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है और हमेशा की तरह लेसन के में सारे कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न डिटेल में जरूर समझेंगे। गाने में स्टैंडर्ड मेजर स्केल यूज किया गया है, सारे कॉर्ड बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और लेसन के में हम इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन मेरा साथ देंगे कीबोर्ड्स पर विकास खंडेलवाल जी। तो आइए देखें मौसम प्यार का। देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाना ई फ्लैट मेजर यानी कि डी शार्प मेजर में है। मैंने यहाँ पर बजाया है, इसको बजाते वक्त फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग्स को बजाने हैं, सिक्स्थ और फर्स्ट को म्यूटेड रखने हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ भी बजा सकते हैं। इसके अलावा ए फ्लैट मेजर यानी कि जी शार्प मेजर, कई जगह मैंने यू भी बजाया है। इसके अलावा बी फ्लैट मेजर और बी फ्लैट सेवन, आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी जा सकते हैं। ये आपका बी फ्लैट और ये आपका बी फ्लैट सेवेंथ। और अगर आप ओपन कॉर्ड बजाना चाहें तो केपो थर्ड फ्रेट पे लगाएं और ई फ्लैट मेजर की जगह सी मेजर में बजाएं। ई फ्लैट मेजर की जगह सी मेजर, ए फ्लैट मेजर की जगह एफ मेजर, बी फ्लैट मेजर की जगह जी मेजर और बी फ्लैट सेवन की जगह जी सेवेंथ। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न देख लें। आप अगर इसको सिंपल रखना चाहें तो यूं भी जा सकते हैं। ओपन कॉर्ड्स भी वही पैटर्न है। Thank you.
तो आइए देखें आज के लिस्ट में जो हमने स्केल और कॉर्ड यूज़ किए उनमें क्या खास बातें हैं। स्केल जो है आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल है और इसे भी हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। इसलिए सारे कॉर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आप सी मेजर बजा रहे हों तो आपके तीन स्टैंडर्ड कॉर्ड्स हैं, सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर। एक जगह हमने G7 यूज़ किया है गाने के अरेंजमेंट और हारमोनीज को मैच करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पर G7 की जगह G भी बजा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेजर स्केल में जो नोट्स होते हैं, अगर आप नोट्स को अपना रूट बनाकर लेके चलें तो आपके पास और भी कॉर्ड्स के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस बात को सिंपल रखने के लिए समझ लें कि गाना आपका सी मेजर में है, तो सी, एफ और जी के अलावा आपके पास डी माइनर भी है, आपके पास ई माइनर भी है और आपके पास ए माइनर भी है। आप इन 6 कॉर्ड्स को एक सी मेजर स्केल वाले गाने पर यूज कर सकते हैं। तो आइए देखें गाने के कुछ लाइनों में हम इन कॉर्ड्स को यूज करके देखें और सुनने में कैसा लगता है। तो आइए गाने के स्केल को देखें। गाना ई फ्लैट मेजर में है तो आपके नोट्स हैं ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल है, सारे स्वर शुद्ध हैं और इसलिए इस गाने में आप 3 कॉर्ड्स के साथ पूरे गाने को बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ और कॉर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बजा के दिखाता हूं। जैसा भी आपने देखा किस तरह से आप और भी कॉर्ड्स यूज करके म्यूजिक के अरेंजमेंट को और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह का म्यूजिशियंस अक्सर करते हैं। बहुत से गाने हैं जिनमें इस तरह के कॉर्ड्स, इन्हें पासिंग कॉर्ड्स कहते हैं, और वो यूज किए जाते हैं और उनके साथ मैच करने के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं म्यूजिक को सजाने के लिए। आप चाहें तो और भी गानों में इस तरह से कॉर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं म्यूजिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अपने खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।